अभी भी सुबह पहुंचे हैं, जस्ट अभी बेतना में पहुंचा है। अभी मैं बेतना पहुंच गया और नोई भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। हाय वियतनाम पाकोंग सो वियतनाम को कोरिया यस यस वियतनाम वेरी ब्यूटीफुल वन टैक्सी यस नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड माय होटल एंड दिस इज टैक्सी ओके एंड द होटल नेम इज फैमिली ट्रांजिट होटल and this is Vietnam and this is my first experience in Vietnam and very beautiful I think people are very friendly this is checkpoint super stunning road Hanoi mein aur mera naam Mehdi Mara hai main Arunachal Pradesh India se hoon aur Vietnam ka nazara kuch is tarah hai kafi rainfall ho raha hai aap dekh sakte hain you can see here stunning landscape मौसम काफ़ी बारिश हो रहा है अभी इस वक्त बारिश हो रहा है और ये होटल में काफ़ी कंफ्यूजन हो गया बसा समझ में नहीं आता है बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पे और वियतनाम एयरपोर्ट में आते ही टैक्सी वाला आपको धोखा देने का संभव है फ्रेंडली है लेकिन आपको धोखा दे सकता है मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है और एक्चुअली मैं ऑनलाइन हनोई में होटल बुक किया था होटल तो काफ़ी कम है 700 रुपीज़ है पर नाइट का ऐसे कुछ है लेकिन इधर पहुंचने के बाद पता चला कि होटमेला होटल एक बस्ती इलाका में है मेन सिटी से लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर है तब और इधर में हनोई में काफ़ी कंफ्यूजन है आपको कोई भी इंग्लिश नहीं समझता है ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट भी अच्छा से काम नहीं करता इसलिए बहुत दिक्कत पड़ जाता है इधर में क्योंकि भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आता है और हमको पैसा को देखते ही उसका 1000, 5000, 10000 ऐसे नोट से शुरू हो जाता है इसलिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हनोई में पर आदमी तो फ्रेंकली है लोग बहुत फ्रेंकली है फिर हम अभी शुरू करते हैं थोड़ा आसपास को एक्सप्लोर करते हैं होटल में बैठ रहे हैं और ये होटल का दाम पड़ा है पर नाइट को शायद 700 पड़ रहा है ये सिटी से थोड़ा बाहर है अभी मेन सिटी जा कर देखते हैं और शाम को यहाँ वापस आ जाएगा और मैं कल हनोई मेन सिटी में मूव हो जाएगा अभी होना मेन सिटी जाके देखेगा ये कुछ इस तरह है हमें होटल तो दाम में मिलता है लेकिन इधर उधर घूमने के लिए पूछने के लिए बहुत तकलीफ पड़ता है क्योंकि कोई इधर में इंग्लिश नहीं समझता है बहुत मुश्किल ये एक फैमिली ट्रांजिट होटल है एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया राइट नाउ आई एम हियर होना दिस इज वियतनाम फ्लैग वाह किड्स आर राइडिंग बाइक वेरी ब्यूटीफुल टैक्सी आई एम मूविंग टू सिटी और अभी मैं हनोई सिटी की ओर जा रहा है और यह बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है और मेरा इंटरनेट भी ठीक नहीं है यहाँ पे और मैं हनोई मेन सिटी जाएगा अभी और कल हनोई में हॉस्टल लेकर बैठेगा और हनोई यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है और मैं इंटरनेट में चेक किया गया था और यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा है वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी स्लो है और आगे आप देख सकते कुछ सड़क इस तरह है और रोड काफ़ी बढ़िया है हनोई का रोड काफ़ी अच्छा है बहुत बढ़िया रोड बनाया है हनोई में और काफ़ी जगह बहुत साफ सुथरा है मेरा नाम है मेहदी मारा मैं अरुणाचल प्रदेश इंडिया से हूँ अभी हनोई का सिटी सेंटर है ये आप देख सकते हो बहुत बढ़िया लग गया बहुत मज़ा आ गया ये देख सकता है कुछ इस तरह है बा
एयरपोर्ट से आते वक्त रोड काफ़ी दबा था, लेकिन सिटी सेंटर भी थोड़ा इंडिया जैसे ही है। ये फ्रेंच मॉडल आर्किटेक्चर है, शायद में इस तरफ क्रॉस करना पड़ेगा। आप लोग को इस तरफ क्रॉस करके दिखाते हैं। रोड क्रॉस कर दिया। राइट नाउ आई एम हियर एट सिटी सेंटर ऑफ हनोई। वाह, सुपर स्टनिंग। हनोई में आके बहुत मज़ा आ गया। कल हम रात पर फ्लाइट किया कुआलालंपुर से, अभी हनोई आ गया। ये मेन सिटी सेंटर है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया। बहुत मज़ा आ गया हनोई। कल से मैं इधर सिटी सेंटर में शिफ्ट हो जाऊंगा यहाँ पे। हनोई जो वियतनाम का कैपिटल सिटी है और वियतनाम का सबसे बड़ा टाउन में सिटी में से एक है ये हनोई, और कैपिटल है ये नोरान वेटरन वियतनाम है। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर के बाद चीन बॉर्डर पड़ता है, चाइना बॉर्डर पड़ता है। बहुत मज़ा आ गया पूरा हनोई आके। मेरा आगे आगे दो अम्मा जा रहे हैं। वाह, और कहीं भी विदेश कंट्री में जाता है, फॉरेन कंट्री में जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका आसपास को, क्योंकि आपका मोबाइल भी छीन सकता है। वॉक इन वियतनाम। यहाँ पे आके हमको दुबई का मरीना हुआ को याद आ गया। इधर वह पानी भी निकल रहा है ये जगह में। वियतनाम में भी बहुत बारिश होता है, रेनफॉल होने का चेंज ज़्यादा हो गया, और मैं बहुत कम पैसा में आया है। मेरे पास अभी 30,000 रुपया है इंडिया करेंसी में। इसी से 30,000 रुपया से मैं पूरा साउथ एशिया को एक बड़ा चैलेंज लगाया है। लेकिन वियतनाम ही आते ही हमको बहुत बड़ा चैलेंजेस आ गया। लैंग्वेज में लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, हिंदी बोलने से भी समझ में नहीं, इंग्लिश बोलने से भी समझ में नहीं आता है, और यहाँ का लोग दूसरा भाषा नहीं बोलते है, वही वियतनाम भाषा बोलता है। यहाँ तो कुछ इस तरह है, जाके चल के देखते पता है। होटल इस तरह है हनोई का। वाह, बहुत बढ़िया जगह है हनोई का मार्केट। यहाँ पे बच्चा लोग खेल रहे हैं। ओ हाय।
हो ची मिन्ह सिटी के बाद ये नेक्स्ट सिटी ये हनोई आता है, और हनोई का ये बैंक है शायद सेंटान बैंक, कुछ बैंक का कार्रवाई यहाँ पे चलता है। और मैं आगे जगह आप लोगों को दिखाएगा, ये कुछ इस तरह है पानी का रानी गोवा है। एक्सरसाइज का डांस कर रहा है, पूरा एक्सरसाइज हो रहा चल रहा है, पूरा आंटी लोग पूरा एक्सरसाइज चल रहा है पूरा। वेतन का लोग फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, हर जगह डांस कर रहा हुआ दिखाई देता है।